हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, कृषि विभाग में अभी भर्ती आई है, उसका वीडियो दोस्तों मैंने आज ही डाला है, वैकेंसीज का है, तो वह आप ज़रूर देखिएगा। और आईटीआई प्लेसमेंट यानी आईटीआई कैंपस आने वाला है भोपाल में, उसका भी वीडियो बनाया था दोस्तों, आप वह भी जाकर जरूर देखिएगा। और यदि सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 8 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर से फैलने से रोकने के उद्देश्य से देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर 2014 को मनाया गया था। और कैंसर एक गैर संचारी रोग है, यानी कि यह संचरित होने वाला या एक से दूसरे से लगने वाला रोग नहीं है। यह देश में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, यानी कि देश में जितने भी लोगों की मौत होती है तो यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है। स्वस्थ जीवन शैली, खाने पीने में फल और सब्जियों का अधिक सेवन और तंबाकू उत्पादों से दूर रहकर हम कैंसर से होने वाले खतरे से बच सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देश में कैंसर के 29 लाख मामले थे और 1.1 लाख नए मामले सामने सालाना रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि हर साल 1.1 नए मामले आ रहे हैं, 1.1 लाख नए मामले आ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक कैंसर के मामले सामने आते हैं और 4 लाख से अधिक लोग तंबाकू का सेवन से कैंसर का एक प्रमुख कारण है, यानी कि 4 लाख से भी ज़्यादा लोग तंबाकू खाते हैं, इस वजह से उन्हें कैंसर होता है। पुरुषों में 45% नए कैंसर के मामले तंबाकू के सेवन के कारण होते हैं और महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। कैंसर का मुख्य कारण है सिगरेट तंबाकू का सेवन है और 100 में से 40 कैंसर रोगी सिगरेट व तंबाकू का सेवन करने वाले पाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय व स्तन कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसका प्रमुख और मुख्य कारण है कि लोग इसके लिए जागरूक नहीं है या अवेयर नहीं है, तो इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 7 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम आज से प्रण लेते हैं कि हम ना ही तो सिगरेट पियेंगे और ना ही तंबाकू खाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमें तो वैसे खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए ही हानिकारक होते हैं। कैंसर के अलावा भी कई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं इन्हीं से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका को भी पेरिस जलवायु से समझौते से बाहर किया है। यहाँ इसमें 195 यानी 195 देश इसमें शामिल है और इसका उद्देश्य होता है कि दुनिया को जलवायु के बारे में जानकारी दे, यही इसका मेन उद्देश्य है। और इस ग्रुप से यदि किसी भी देश को बाहर होना है तो उसे 1 वर्ष पहले इस ग्रुप को बताना होता है कि मुझे इस ग्रुप से बाहर होना है। तो इसीलिए अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को यह घोषणा की थी कि वह पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो जाएगा और इस वर्ष वह बाहर हो गया है। तो बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। और अभी यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने, कौन बने? जॉब बाइडेन यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यह किसने की है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नासा। यह एक निगरानी उपग्रह है, कौन सा? निगरानी रखने वाला उपग्रह है प्रहरी 6 जिसको अभी लॉन्च किया है नासा ने। तो अब बात कर लेते हैं नासा की। नासा यह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका नारा है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सबकी भलाई के लिए। तो इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और संस्था कार्यपालक गण है इसके
चार्ल्स बोल्डेन इसके प्रबंधक हैं, क्या हैं? प्रबंधक हैं चार्ल्स बोल्डेन, और लॉरी गवर्वर इसके डिप्टी प्रबंधक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार SBI ने अपनी दूसरी तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 52%। दूसरी तिमाही में अभी हाल ही में यह रिपोर्ट आई है, तो इसमें SBI ने अपनी 52% वृद्धि दर्ज की है। अब यह क्या है दूसरी तिमाही? तो हमारा वित्त वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल महीने से, तो अप्रैल मई और जून यह पहली तिमाही हो गई, और फिर जुलाई अगस्त और सितंबर यह दूसरी तिमाही हो गई। तो इस दूसरी तिमाही में यह 52% वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि पहली तिमाही में तो कोरोना वायरस महामारी थी, तो सारा बैंक वगैरह सब बंद था, और फिर अभी खुले हैं, तो इसमें 52% की वृद्धि दर्ज की है। अब बात कर लेते हैं SBI की। तो SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना की गई थी सन 1955 में, कब? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रबंध निदेशक है कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहली बार 2021 में आधिकारिक रूप से चुनाव होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कतर। कतर एक पहला खाड़ी देश है जिसमें 2021 में पहली बार चुनाव होंगे आधिकारिक तौर पर। यानी कि जो भी खाड़ी देश है, एक तो वहाँ राजशासी होता है, यानी कि राजशाही होता है एक तो, या फिर तानाशाही होता है, दोनों में से कुछ भी होता है, लेकिन यह पहली बार होगा कि वहाँ पर आधिकारिक चुनाव होगा। तो बात कर लेते हैं कतर की। कतर की राजधानी है दोहा, क्या है? दोहा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी। कौन है? हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में जामनगर एयरबेस पर दूसरी बार कितने राफेल फाइटर जेट पहुँचे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितने? चार। दूसरी बार में चार राफेल पहुँचाए गए हैं, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। राफेल डील की गई थी फ्रांस के साथ में, और फ्रांस से यह कितने 38 राफेल लेना है। तो पहली बार में 5 आए थे और अभी दूसरी बार में 4 आ रहे हैं। और राफेल का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपके कई क्वेश्चन जो अभी रेलवे NTPC या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन बनेंगे। और एक फेमस क्वेश्चन इससे कि भारत में पहली महिला जो राफेल पायलट बनी है, राफेल फाइटर जेट की पायलट बनी है, शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप राफेल डील वाला पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AK गुप्ता। AK गुप्ता को MD एंड CEO नियुक्त किया है ONGC लिमिटेड विदेश लिमिटेड में। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसको हिंदी में कहते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को, और इसका मुख्यालय है देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में इसका मुख्यालय है, और इसके प्रमुख व्यक्ति है AK हजारिका। कौन है? AK हजारिका। यह AK हजारिका ONGC में चेयरमैन एंड MD है, और यह जो अभी इसके मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं वह बने हैं कौन? AK गुप्ता, जो विदेश लिमिटेड के, यानी कि ONGC हमारे देश में भी ऑयल एंड गैस निकालती है खदानों से, और विदेश से भी निकालती है, तो विदेश के बने हैं कौन? मुख्य सूचना अधिकारी AK गुप्ता जी। यही है AK गुप्ता जी, जो ONGC के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सॉरी यह ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। इसके MD एंड CEO बने हैं, और जो मैंने उधर बताया था ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO बने हैं, और ONGC लिमिटेड के AK हजारिका चेयरमैन एंड MD है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर लक्ष्मी नारायण को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। किसका? HDFC बैंक का। यही है आर लक्ष्मी नारायण, जिनका पूरा नाम है रमेश लक्ष्मी नारायण, जिनको HDFC में नियुक्त किया है। क्या? मुख्य सूचना अधिकारी। HDFC बैंक की स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में, और इसके संस्थापक है कौन? बीबू वर्गीज इसके संस्थापक है, और इसका मुख्यालय है भारत के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख व्यक्ति है CM वासुदेव, जो चेयरमैन है, और प्रबंध निदेशक है आदित्यपुरी। कौन है? आदित्यपुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिहरन ने जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है। मलयालम फिल्मों में जो प्रतिष्ठित अच्छा काम करता है उन्हें, या अपना पूरा इन्होंने उसमें जीवन योगदान दिया है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है जेसी डैनियल, और वही अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसमें 5,00,000 रुपये दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो यही है हरिहरन, जिनको यह जेसी डैनियल पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HG सोमशेखर राव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे HG सोमशेखर राव, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब यदि कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।